किसी भी मर्द के लिए यूं आकर गिड़गिड़ाना आसान नहीं होता। वो मेरे लिए नहीं गिड़गिड़ा रहा था। अरे तुम्हारी नजर में मोहब्बत कब से इतना बड़ा जुर्म बन गई? अपने वजूद से नफरत हो चुकी है मुझे फलक, मुझे माफ कर दो फलक, मुझे माफ कर दो। तो मोहब्बत का रिश्ता तो सबसे ज्यादा नाजुक होता है। तुम एक भूल की बात कर रहे हो, ये तो एक अजनबी नजर से टूट जाए। मुझे कोई परवाह नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी क्या सोचेगी। मैंने तुम्हें माफ किया बच्चा, मेरा कसूरवार तुमसे बढ़कर तासीर है। तुम तो चंद दिन की मेहमान थी मेरे घर में, तुम्हारे साथ मेरा दुख सुख का कोई वक्त नहीं बीता हुआ, इसलिए मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, तासीर पे मान था, शौहर था मेरा, मैं उसकी इज्जत थी, मोहब्बत थी, दोस्त थी, और इस सब के बाद मैं उसकी बीवी थी, उसके बच्चों की माँ। पता दुख इस बात का मंशा कि इन सब रिश्तों के होते हुए वो तुम्हारे साथ चला गया, तुम्हारे पीछे चलने लगा। हाँ तो मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ, मेरी ही मोहब्बत ने उन्हें उकसाया था। इसी बात का तो दुख है, तुम्हारे बहलाने पे वो बहल गए, पर अफसोस इस बात का है कि मैंने ऐसे बंदे से मोहब्बत की है जिसने अपनी जिंदगी में एक मौका भी नहीं जाया किया, एक मौका नहीं जाने दिया। बाकिरदार शख्स वो नहीं होता जिसे मौका ना मिले और वो बाकिरदार रहे, बाकिरदार वो होता है जिसे मौका मिले। उसे अवेला साबित कदम, मेरा तस्वीर पर से एतबार उठ गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारा क्या कसूर है? किसी भी लड़की का उस पर दिल आ सकता है, किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है कि तासीर जैसा बंदा मेरा लाइफ पार्टनर हो। ऐसी ही एक ख्वाहिश ने तुम्हारे दिल में जन्म लिया। क्या है ना कि ख्वाहिशात पे इंसान का जोर नहीं होता, तो मेरी नजर में तुम कसूरवार नहीं हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम रिलैक्स हो। रात को आप यहीं सो गए थे? चाय लाओ आपके लिए। नहीं, मैं ऑफिस के लिए तैयार हूँ, नाश्ता तैयार है। जी सुना? नहीं ठीक, जा। तो वो बच्चे अलग को तो याद कर रहे थे। सर उनकी माँ है, माँ को तो याद करेंगे ना। स्कूल चले गए? जी सर, वो तो कब के चले गए। तासीर, मुझे तुमसे बात करनी। फलक का सामान लेने आया हूँ।
बहुत खुश होगे ना तुम। और तुम्हें वाकई ये लगता है कि जो कुछ फलक ने तुमसे कहा वो सच था? तो और क्या, क्या ये सब झूठ है? हाँ सब झूठ। अच्छा, और उस झूठ की कोई वजह? तुम्हारा और मंशा का रिश्ता और तुम्हारा शक। मेरा और मंशा का रिश्ता, इन सब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अगर तुम फलक को थोड़ा सा भी जानते हो तो तुम ये सवाल मत करो। फलक तो तुम्हारे और मंशा के बारे में शुरू से जानती थी। उसके लिए अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त करती रही सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए। शुरू से जानती रही, क्या मतलब है तुम्हारा? और रही बात मेरी और फलक की, मैं तो सिर्फ उसका दोस्त था। अब तुम्हारे शक की वजह से मैं तो उसका दोस्त भी नहीं रहा। वो तो बात भी नहीं करती मुझसे, और तुम्हें लगता है कि हम दोनों साथ रह रहे हैं। वो तो अभी भी उस होटल रूम में अकेली है जहां तुम मुझसे मिलने आए थे। उस दिन के बाद से तो उसने मुझसे बात करने से भी इनकार कर दिया। तासीब, मैं तुम्हें यहां सिर्फ यह बताने आया हूं कि मेरे और फलक के दरमियान कभी भी कुछ नहीं था। उसने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तुम्हें जाना चाहिए, उसे जाकर मनाना चाहिए। चलते हुए सितारे छूने लगे किनारे, क्यों रात दिन जलने लगे और आसमान। ऑफिस जा रहे? क्या बात, आजकल तुम्हारी रातें और तुम्हारे दिन ऑफिस में गुजर रहे हैं। अभी तुमसे सीखा मैंने, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी शूट्स में रात में इतना दिल की लगता। जानम आ जाओ, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। शीशा टूट जाएगा। क्या रिजवान, टाई तो खुद बांध लिया करो, इतने साल हो गए। अच्छा, जल्दी जल्दी बांधने की जरूरत नहीं, क्या मुझसे दिल भर गया? हाँ वो तो भरना ही था, शादी को इतने साल हो गए, अब मैं दिल को तो कुछ नहीं कह सकती। नहीं अच्छा, तो भाई ये अपने दिल को जरा बता दो कि ये जिंदगी भर का एग्रीमेंट है, अगर इसने मुंह मोड़ने की कोशिश की ना तो बेवफाई हो जाएगी। तो ये एस्टिमेट जो आए थे नॉट, आप देख लें इसको, फिर क्या बता करते हैं। मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, ये जानते हुए कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी वो अहमियत नहीं रही। मैंने इतने साल तुम्हारे साथ इसलिए गुजारे, तुम जानते हो उसकी एक ही वजह थी, और अब जब वो वजह ही नहीं रही तो हमारा एक साथ रहने का कोई मकसद ही नहीं है। रानी रानी उठो, सो जाए नहीं थी, अभी भी सो जाए। रानी प्लीज उठो, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ आएंगी मॉम, आएंगी।
डैड हर यहाँ भी नहीं है। डैड शायद स्टडी में होंगे। डैड ले, इतनी रात हो गई अभी तक आप जागी भी? डैड मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी नींद भी नहीं आ रही, रानी भी नहीं उठ रही, मैं उसको बहुत उठाने की कोशिश। किस सर में क्यों? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, रोने की क्या बात है, अभी मेडिसिन दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा सर का दर्द। कम चलो कमरे में, मुझे मम्मा के पास जाना है। मैं तो नहीं आना, मगर डैड फिक्र ना करो, डैड बिल्कुल ठीक कर देंगे। क्या हुआ डैड? वो दवाइयों का बॉक्स था, पता नहीं किधर गया। अब मॉम को कॉल करके पूछ ले, मॉम को पता होगा। नहीं बेटा, उनको मैं भी फोन नहीं करूंगा, थक गई होंगी ना, डिस्टर्ब हो जाएंगी, कुछ सोने दो। मिल गया, अब तुम देखना तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और क्या क्या मॉम आप कभी वापस नहीं आएंगे? ये किसने कहा आपसे? मेरी फ्रेंड ने कहा, उसके मॉम और डैड अब साथ नहीं रहते, उसकी मॉम उसको छोड़ के चली गई। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मेरी मॉम भी कभी वापस नहीं आएंगी। आपकी मॉम कहीं नहीं गई, थोड़ा बिजी है, जैसे उनका काम खत्म होगा वो आ जाए। फिर आप इतने साथ क्यों रहते हैं, क्या आप उनको मिस करते हैं? हाँ मिस तो करता हूँ, मगर मेरे पास एक आइडिया है, जब मैं उनको मिस करूंगा आपके पास आ जाऊंगा, और जब आप उनको मिस करेंगे तो आप मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? ओके। अभी तो फिलहाल तुम ये दवाई पियो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये तुम जब दवाई पी लोगी ना तुम्हें नींद भी आ जाएगी। अब तुम देखो बिल्कुल आराम से सोओगी। लेटो। लो भाई सूप आ गया। डैड मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं खाना। क्या मतलब नहीं खाना? नहीं मुझे नहीं खाना। इतने मजे का सूप है, पी के तो देखो। मैं अपने हाथ से पिला देता हूँ। देखो बेटा, अगर तुम सूप नहीं पियोगी, जान नहीं बनेगी, जान नहीं बनेगी, तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? ट्राई करके देखो। एक एक ए ए एक प्लीज। नाइस, बहुत अच्छा है। थैंक यू फलक, तुम ये सब जो मेरे लिए कर रहे हो, थैंक यू माय गॉड। इंसान जब मुश्किल वक्त से गुजरता है ना, या तो वो दूसरों को भी उसी वक्त में देखना चाहता है, या फिर उसमें दूसरों की तकलीफ अच्छी तरह से समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है, और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसे इस तकलीफ से बाहर निकाले। बस ऐसे समझ लो कि मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ।
ये क्या है? कुछ कैश है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगा। नहीं फलक, तुम ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी हो, देयर इज नो नीड फॉर दिस। इट्स ओके, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके, अपना ख्याल है। मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो फलक, मैं तुम्हें एक चीज जरूर कहूंगी। पता है पहली दफा जब मैं तुमसे मिली थी, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड कितनी अहमियत रखते हैं। वो तुम्हारे बगैर अधूरे हैं और तुम उनके बगैर। अधूरा इंसान कैसे जिंदगी जी सकते? जब इंसान खुद को मुकम्मल ना समझे ना, तो वो जिंदगी का सही जायका नहीं महसूस कर पाता, सब कुछ उसे फीका लगता है। तुम भी अपना ख्याल रखना। मॉम को बुला दे, मुझे मॉम समझना। क्या कितना बुखार है आपको? आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मॉम को बुला दे। नहीं आप अभी फोन करें। ए, मैंने कहा ना मैं बुलाऊंगा। नहीं करें। अच्छा, तो आप कहाँ जा रही हो? रानी, मॉम मैं निशा हूँ। निशा बेटा कैसे हो? रानी कहाँ है? मॉम एलिसिया की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ एलिसिया को, कहाँ है वो? मॉम उसको बुखार है, बहुत तेज है। और मॉम वो डैड के रूम में है, वो बहुत रो रही है, वो आपको याद कर रही है। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। मैं आती हूँ मेरी जान, मैं आ रही हूँ। बेबी आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? और ये मेरा फोन आपके पास? मैंने तुम्हारे फोन से मॉम को कॉल किया था। तो क्या मैम घर पे आएंगी? मैंने उनसे कहा था कि एलिसिया की तबीयत खराब है, तो आप आ जाएं। उन्होंने कहा मैं आ रही हूँ। सच में? ये मेरा फोन।
निशा मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेलिसिया कहाँ है? वो आपके रूम में, और अब सर भी आपके रूम में। चलें मॉम, मेलिसिया बार बार आपका नाम ले रही है। चलें मॉम, मेलिसिया आपको बार बार बुला रही है। कैसे मेरे बच्चे? वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ आप भेजेंगे। हमें छोड़ के नहीं जाइएगा। आपको पता है हम बिल्कुल घर में अकेले हो जाते हैं। डैड भी सो जाते हैं और रानी भी सो जाती है, और अगर आप चली गई तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मॉम कहीं नहीं जाएंगी एलिसिया, अगर जाना है तो हमको अलग करके जाएंगी, लेकिन हम इनके साथ हर वक्त रहेंगे। तो वो कैसे जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारा घर छोड़कर आ रही थी तब तो तुमने मुझे रोका तक नहीं, पूछा नहीं। उस वक्त तुम फैसला कर चुकी थी कि तुम्हें नसर के साथ रहना, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था। फोर्स नहीं करना चाहते थे या मंशा के साथ शादी करना चाहते थे? जो भी हुआ सब भूल जाओ, हम दोनों से गलती हुई है। दोनों वक्त के हाथों मजबूर थे। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, तुम्हें भी मुझे माफ कर देना चाहिए। अब हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है कि सिर्फ एक भूल से टूट जाए। घर और कौन सा? नैन भी तरसे हुए, ये जिंदगी भी तरसे, प्यार की बारिश यही कुछ आस पास बरसे। सोचने से हासिल आशना कोई नहीं, एक अजनबी के डर से ये सांस क्यों ठहरने लगे,
अलीसिया सो गई है, बुखार भी पहले से कम है। मैंने यहाँ रहने का फैसला कर लिया, सिर्फ अपने बच्चों के खातिर। जब तक उन्हें मेरी जरूरत है मैं यहीं रहूँगी। मैं तुम्हारी भी जरूरत है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है उसका असर हमारी बेटियों पे। और नसर, नसर का क्या होगा? कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ये मेरा उसका पसंद है। से तुम्हारे यहाँ रहने पे एतराज तो नहीं होगा? बहुत भरोसा है उसे मुझ पर। बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें एक दूसरे से। हाँ बहुत। झूठ, झूठ। तुम्हें नसर से मोहब्बत है ये भी झूठ है। सब मालूम है मुझे, नसर आया तो उसने मुझे सब बता दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, उसने सब बता दिया। मेरा फैसला फिर भी नहीं बदला। रहेंगे हम इसी घर में, दुनिया के लिए परफेक्ट होंगे, बच्चों के लिए परफेक्ट होंगे, लेकिन तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। तुम अपनी जिंदगी जीना, मैं अपनी जिंदगी जीना, ठीक। मैं ये सब भूल नहीं जाती। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? कितना छोटा सा वर्ड है ना, कुछ नहीं रहा हमारे रिश्ते के बीच में, सब खत्म हो चुका है। अभी ये जो रिश्ता रह गया ये सिर्फ बच्चों की खातिर। मैंने अगर तुम्हें माफ कर भी दिया ना रेसमान, तब भी तुम मेरे लिए अजनबी रहो। सारा लाइन्स याद है आपको? क्लोजेस करेंगे। साकिब, एडिशनल सीन्स आ गए? कास्टिंग क्लोज की लाइट करवा दो। उमेश विवा कितना टाइम है इसमें भी? चलो आ गए तुम, टाइम मिल गया तुम्हें। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अभी शूट खत्म होने में पूरे 3 घंटे बाकी थे। Really? यार वो असल में मुझे 3-3 घंटे पहले आकर कम अज कम ये तो मौका मिलता है कि मैं तुम्हें देख सकूं। शुरू हो गई तुम्हारी वही बदतमीजी। खत्म कहाँ हुई? अब काम कर ले। यार ये काम करना जरूरी है? नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं, हम तो पिकनिक के लिए है, पार्टी करते ना तुम्हारी कमी की। चलो तुम भी आगे क्या खाओगे बताओ। जबरदस्त यार, तुम तो मेरा रंग चढ़ रहा है, मेरी तरह की बातें करने लग गए। वेरी नाइस। कम से कम आहिस्ता आहिस्ता ही सही, भगत तो हो रही।
एक भी फजूल बात की ना, वो गार्ड बैठा है बाहर, उसकी जगह बिठा दूंगी, समझ आइए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कम से कम मौका तो मिलेगा ना, मैं तुम्हें रोज तीन तीन घंटे तक देख सकूं। बोंगे मारनी बंद करो। हाँ साकिब रेडी है? छोड़ दो, बस बस बस, बहुत टाइम हो गया। कैमरा रोल, मॉनिटर तो दो। यस रोलिंग सर। अच्छा वो मेरे चेक। एक्शन। शाखों से पल उतरने लगे और जिस्म जा